इस सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। और चलिए बुलेटिन में आज हम आपको मिलवाएंगे सोनिया अख्तर, जो कि बांग्लादेश से भारत आई हैं। उन्होंने सौरभ कांत तिवारी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सबसे पहले आपको मिलवाती हैं सोनिया अख्तर से। सोनिया अख्तर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनिया जी, न्यूज स्टेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, जो आपने आरोप लगाए हैं सौरभ कांत तिवारी पर, जो कि नोएडा के रहने वाली हैं, इनसे मुलाकात आपकी कहां पर हुई थी, कितने साल पहले मुलाकात हुई थी, कैसे आप इनके संपर्क में आई थी? जी धन्यवाद। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, ये बांग्लादेश में नौकरी किया 6 ईयर, कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया, उधर का वो सर्विस का डीजीएम था। तो उनके साथ मैं भी किसी और कंपनी में नौकरी किया। नहीं तो जब सौरभ कांत तिवारी से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? उनके साथ मेरा एक मीटिंग में मिली हूँ जी। हाँ हाँ, सौरभ कांत तिवारी जी मेरा हस्बैंड, उनसे मैं मिली हूँ मार्च में उनके ऑफिस में एक मीटिंग में, जो केमिकल का एक डील होने वाला था, उस मीटिंग में मैंने उनसे मिली हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे को प्रपोजल किया है जो तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने उनको डायरेक्टली बताया नहीं, बोले क्यों? मैंने बोला देखिए आपका उम्र से भी आप मेरे से बड़ी है, आपका पोजीशन भी बहुत हाई है और आपका धर्म भी चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दोगी तो मेरे को शादी करोगी? फिर मैंने बोला करके तो दिखाए, ऐसे ही बोला है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो मतलब आम पब्लिक जैसे एक बात बोलती है, मैं ऐसे ही बोला। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश कोर्ट जाके खुद के धर्म हिंदू से उन्हें मुस्लिम बने हैं एकदम लीगल तरीका से, उसका भी प्रूफ है, एफिडेविट है, सब कुछ है मेरे पास। उसके बाद उन्होंने 13 अप्रैल को अगरतला बॉर्डर पे गया है बांग्लादेश से इंडिया, जो शादी से पहले अंगूठी सोने का नोज पिन कान का दूल ये सब लेकर आया है वो इंडिया से। उसके अगले दिन 14 अप्रैल 2021 में उन्होंने बांग्लादेश में बायतुल मुकारा मस्जिद है, आप नेट पे सर्च करिएगा तो आ जाएंगे, बायतुल मुकारा मस्जिद में हमारा निकाह हुआ है काजी के थ्रू। यानी सोनिया शादी के बाद ने क्या निकाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करवाया था? जी जी हाँ हाँ, उन्होंने तो पहले ही धर्म चेंज कर दिया, बांग्लादेश कोर्ट जाकर उन्होंने उसका धर्म चेंज किया है, मुस्लिम बनी है 11 अप्रैल 2021 में। और शादी को लेकर कोई जानकारी कोई बात आपसे नहीं बताई कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं? नहीं 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 नहीं, ये बात उन्होंने छुपाया है मेरे से। आपके सामने कभी उनकी यहाँ इंडिया में घर वालों से बात नहीं होती थी, फैमिली में कौन कौन है? उनका जो फैमिली है इंडियन फैमिली, उन्होंने बाद में मेरे को बताया जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब बताया जे मेरा बीबी जिंदा है। बिल्कुल सोनिया, और एक सवाल मेरा भी रहेगा इसमें, उस टाइम पे भी उन्होंने झूठ बोला है। सोनिया मेरा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही हैं, पहले की जो शुरुआती दिन रहे होंगे उसमें क्या कुछ आपने बदलाव देखा, क्या कुछ वो पहले किया करते थे जो कि जिससे कि आपको इसका अंदेशा हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं लगा है, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतनी मतलब इतनी प्यार जताया, एक आदमी धर्म चेंज कर दिया इस उम्र में, मतलब वो मेरे को कितनी प्यार करती है, मैं तो कभी अंदाजा भी नहीं था जो उन्होंने ऐसे निकलेगी। जो अभी उनका जो रूप है, उनका जो चेहरा है, ये तो फुल चेंज है। ये मेरा हस्बैंड के मतलब मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, और ये फुल अलग है फुल। और मैंने कभी उनको उनका फैमिली से बात करने हुए नहीं देखा है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ है जो मेरा पति रात 2 बजे उनके फोन पे एक फोन आया है, वीडियो कॉल आया है, तो रात 2 बजे मैं उसका वाइफ हूँ, मैं उठा लिया, तो उस फोन पे मैंने एक लेडी को देखा है जो स्लीपलेस पहन के साड़ी मारी पहन के सिंदूर मिंदूर लगा के आया है रात 2 बजे वीडियो कॉल किया, इतनी छोटा बाल है, उसका नाम सरिता है, वो मुंबई में रहती है। इसके साथ फिर उस सरिता का कॉल मैंने उठा लिया, मैंने बोला आप कौन हो? फिर उस लेडी ने मेरे को पूछ रहे तू कौन है? मैंने बोला मैं सौरभ कांत तिवारी जी का पत्नी हूँ। बोला सौरभ ने शादी कर लिया बांग्लादेश पे? मैंने बोला हाँ, वो मेरा शादी हुई है। बोला कब हुई है? मैंने बता दिया, अब तब 14 अप्रैल 2021 में हुई है।
कहा इतने दिन तुम उसके साथ ही हो। मैंने बोला उसके साथ की मीन्स क्या, मेरा पति है, मैं तो शादी के बाद मेरे पति के साथ ही रहूंगी। फिर बोल रही, मैंने बोला आप कौन हो? फिर उन्होंने बोला है मैं सरिता हूँ। आप इतनी रात में क्यों फोन किया मेरे पति को? बोल रही है नहीं नहीं ऐसा ही फोन किया है, मतलब इस तरह के से उन्होंने मेरे को बोल रहे थे। उसके बाद मेरा हस्बैंड का जो फोन है फोन मैंने चेकिंग किया है, उनके साथ फेसबुक में मैसेंजर में उन्होंने बहुत गंदी गंदी मैसेज किया है। उस लेडी ने जो सरिता वो मुंबई में रहती है इंडिया वाले, तो उन्होंने गंदी मैसेज लिखा है। उसके बाद मेरा पति के साथ उसका बहुत क्लोज गंदी फोटो भी मैंने देखा है। फिर मैंने पति को पूछा है कौन है सरिता, फिर उन्होंने सच बताया। ये सोनिया बीच में रोकना चाहेंगे, ये सारी चीजें उस दौरान हुई थी जब आप बांग्लादेश में थी, उसी टाइम सौरभ कांत तिवारी जब वहां पर था उस दौरान ये सारी चीजें हुई थी। हाँ हाँ हाँ, जब मैं उनके साथ ही शादी के बाद से उनका कंपनी क्वार्टर में ही थी, मेरा हस्बैंड मेरे साथ ही थी उस टाइम पे ही ऐसा हुआ है। पहली मेरे को इस लेडी से मिली हूँ मैं, जिस लेडी ने रात 2 बजे मेरे हस्बैंड को फोन किया, सरिता, उनका नाम सरिता है, मुंबई में रहती है। उनके साथ मेरे हस्बैंड का एक फिजिकल रिलेशन है, गर्लफ्रेंड है मेरे हस्बैंड का। बिल्कुल सोनिया, और एक और सवाल इसी से जुड़ा रहेगा मेरा, पढ़ लिया जिस तरीके से आप बता रही हैं कि बेहद ही शुरुआती दिनों में ठीक ठाक रिश्ता आपका था, लेकिन आखिरी बार जब कहीं ना कहीं आपको अंदेशा हुआ गलत हो रहा है करके, आखिरी बार बांग्लादेश में कब आपकी अच्छे से बातचीत हुई थी सौरभ कांत तिवारी से? नहीं देखिए, जब तक वो मेरे साथ थी जब तक तब तक वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। आप फोटो देखिए, सब कुछ देखिए, हमारा एक प्यारा सा एक बेटा भी है, अब तो बहुत अच्छा रिलेशन थी, बहुत ऐसा मेरे को कभी नहीं लगा जब मेरा पति मेरा उम्र से बहुत बड़ी है, वो मेरे को बहुत प्यार किया बहुत। और उन्होंने जो मेरे को जब छोड़ के आया है उस टाइम पे वो बहुत रोया था, मेरे को माथा पे हाथ लगा के बोला है जब मैं सोना जा रही हूँ बच्चा का ध्यान रखना, बाबा का ध्यान रखना, वो बाबा बोलती है बाबा का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगी 1 महीने बाद, क्योंकि मेरे शादी के बाद तो 2 बार इंडिया आ चुकी है, तो उस बार तो वापस गया है, तो मेरे को लगा तो फिर से भी वापस आ जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया, 24 दिसंबर 2022 में जब वो वापस आ गया है उसके बाद उन्होंने कुछ अलग ही रूप दिखाया है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट नहीं किया, मतलब मेरा बच्चा का खर्चा मेरा खर्चा कुछ भी नहीं दिया है, उल्टा मतलब मेरे को इतना प्रेशर में रखा है, जो मैंने उनको इतनी ढूंढा है उतनी फोन किया, उसका पत्नी रचना शर्मा फोन उठाती है बहुत रेंडी मेंडी करके गाली देती है मेरे को, जो तेरा क्या बताऊं मतलब बहुत गंदी, तेरे साथ सेक्स किया है छोड़ के आ गए, उसका क्या बच्चा है कुछ नहीं है। ठीक है सोनिया, आपकी परिस्थिति इस वक्त क्या है वो समझा जा सकता है, अभी फिलहाल आप क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी, इंडिया किस लिए आई हैं आप? ठीक है, मैं मेरे हस्बैंड के पास आई हूँ, मैं इंडिया में, इंडिया आने के बाद भी वो मेरे से होटल पे रखा है, मिनी है होटल पे जाके, तो होटल पे भी उन्होंने पैसा नहीं दिया था, उन्होंने मेरे को फंसाया था। मैं तो मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, कुछ भी है जो हुआ है हुआ है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरे को रखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा हमारा एक छोटा बच्चा है मेरा हस्बैंड। इंडिया आने के बाद आपकी सौरभ से बात या मुलाकात कुछ हुई है? इसी तरह नहीं भूल सकती हूँ सोनिया प्लीज। हाँ मुलाकात तो हुई है 2-3 बार। क्या है, मैं पहली बार मुलाकात भी है, 3 तारीख में मैं आया हूँ, मेरा जो लॉयर है मेरे बाजू में रेणु सिंह, उनसे मैंने बांग्लादेश से कांटेक्ट करके आया हूँ, उनके पास आया हूँ, उनके बाद उसके बाद 3 तारीख के बाद मैं उनको फोन किया मेरे हस्बैंड को, जब मैं आ गया हूँ मेरे को घर लेके जाओ, फिर उन्होंने बोला 4 तारीख में तू या क्राउन प्लाजा पे आ जा, मैं उधर आ रही हूँ बाबा को लिए, मैं बाबा को देखना है, हमारे बच्चा को देखना है, वो तू उधर आ जा, मेरा इमोशनली बहुत दिया करके मेरे को लेके गया, 4 घंटा मेरे को क्राउन प्लाजा में वेट कराया है, मतलब 4 घंटा मेरे में उसके लिए वेट किया क्राउन प्लाजा में नीचे, फिर उन्होंने आया है, आने के बाद बच्चा को और मेरे को लेके गया उधर से, लेके घुमाया है,
रेस्टोरेंट पे खाना खिलाया, मेरे हाथ से वो खाना भी खाया है, मेरे को खिलाते मैं खिला भी दिया है। फिर मेरे को पूछ रही थी, सोनिया तुम अंगूठी तो पहन लिया, ये मेरे, मैं उनको मेरा एनिवर्सरी में उनको गिफ्ट किया था, एक मेरा हाथ में एक उनके हाथ में है, तो बोल रही अंगूठी तो पहन लिया, खान का दूल भी है, चेन कहाँ है, मैंने खोल के रख के आया हूँ। बोल रहे तू बहुत कमजोर हो गया, अच्छे से बात किया है। उसके बाद उन्होंने नॉलेज पार्क के बाजू में एक होटल है द ड्यूलिंग इन, उस होटल पे उठा के दे के आए शाम को, वो खुद उठा के देकर आया है, बोला है जो बच्चा का ध्यान रखना मैं आऊंगी, ऐसे बोले। एक नाइट का उन्होंने बिल दिया है, ऑनलाइन पे किया है, अगले दिन का जो नाइट उस दिन का वो बिल नहीं दिया है। बिल्कुल आपकी परिस्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन चेकआउट कराया जो साथ ही में सवाल इसलिए भी क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपसे ही लिया जाएगा। ऐसे में ये आपसे जानकारी चाहेंगे, जब बात लगातार निकल कर आ रही है कि नौकरी के दौरान बांग्लादेश में जब आप दोनों मिले, उस दौरान कहीं ना कहीं आपके बीच में रिश्ते आगे बढ़े थे, उसके क्या कुछ सबूत आपके पास है जो आप आगे जो प्रक्रिया आगे होगी जांच की उसमें आप पेश करेंगे? मैंने देखिए, मैं लीगल तरीके से आया हूँ आके ही, जब मेरे साथ मेरा हस्बैंड मेरे को घर नहीं लेकर जा रही है, तो मैं लीगल तरीके से ही सूरजपुर थाने पे गया हूँ। उसके बाद उधर से उन्होंने मेरे को महिला थाना पे भेज दिया। उसके बाद मैंने एक एनजीओ मैडम से बात किया, जो महिला शक्ति मैडम से बात की, उन्होंने बोला तुम जाओ लक्ष्मी सिंह मैडम से मिलो, कमिश्नर मैम से सीधे जाओ, तुम रो मत, तुम्हारे पास बच्चा है, कमजोर तुम हो जाओगे तो बच्चा भी कमजोर हो जाएगी, तुम जल्दी से कमिश्नर मैम के पास जाके बोलो जो ये प्रॉब्लम है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मैंने सूरजपुर थाने पे भी मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया, सब कुछ किया है, मैंने हर जगह डीसीपी मैम से बात हुई है, उधर भी मेरा सारे जो शादी का निकाह नामा है उधर हम परिवर्तन किया, बच्चा का बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीसा, मेरे में सारे हर एक चीज का प्रूफ दिया है, हर एक चीज, क्योंकि मैं लीगल हूँ, मैं लीगल तरीके से मैं मेरे पति के पास आया हूँ। ठीक है सोनिया, परेशान हो रही है, मैं एक आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, हम यही दुआ करेंगे कि आपको न्याय मिले। अगर सौरभ कांत तिवारी आपसे अभी भी बात कर रही हैं, उसी तरह से प्यार भी कर रही हैं, तो एक ना एक दिन आपको न्याय भी मिलेगा। न्यायपालिका पर भरोसा रखिए, भगवान से दुआ करेंगे कि आपको न्याय मिले। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए